हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में और देखेंगे कौन से वो 5 ऐप्स और जिनको यूज़ करके आपको काफ़ी मज़ा आएगा और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा अपने एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ करने में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है वो है बकेट। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आपके जितने भी एम है या फिर एम कह लें या फिर आप कह लीजिए कि आपको जो भी ख़रीदना है, आप सेट करना चाहते हैं कि मुझे एको डॉट लेना है या बास्केटबॉल लेना है, आपको कुछ भी लेना है तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया बास्केटबॉल और यहाँ पे मैंने कर दिया 2000। इसका आपको प्राइस लिखना होता है कितने का है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप दी जाएंगे आपने जितने भी एम सेट करी हैं और यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितना परसेंट अपने एम को अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे जब भी आपको उसके लिए पैसे मिले, आप यहाँ पे जाके अपडेट कर दें। और जैसे मैंने 500 अपडेट कर दिया तो यहाँ पे दिखाएगा मैंने 25% अपने बास्केटबॉल के लिए कलेक्ट कर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और आपको डेफिनेटली इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, जो सेकेंड एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है वो है हैबिट्स। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपनी हैबिट्स को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या हैबिट्स हो रही हैं और आप कितने दिन क्या काम कर रहे हो। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको नेम देना होता है कि आपकी हैबिट क्या है ये। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेम देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया है डिड यू प्ले 2 times today, जैसे मैंने गेम के लिए सेट किया है। और उसके बाद रिपीट आप सेट कर सकते हैं, कभी भी कस्टम भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो डेली आपसे पूछेगा ये। तो यहाँ पे ये आपको सेट करना होगा कि किस टाइम ये आपसे पूछेगा ये बात। तो आपको यहाँ पे सेव कर देना है, मैंने सेट कर दिया। और जब भी आप सेट करेंगे इसको तो जिस टाइम पे भी आपने सेट किया होगा इस टाइम आपसे पूछेगा कि आपने ये काम किया कि नहीं किया। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मैन्युअली टिक करना चाहते हैं कि आपने वो काम किया, इस दिन किया, इस दिन नहीं किया, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कितने दिन आपने वो काम किया और कितने दिन नहीं किया, क्या आपकी एक्टिवनेस रही है। और इस टाइप से आपको दिखाएगा ये कि आप चेक करेंगे तो वहाँ पे टिक हो जाएगा और लेटर कर देंगे तो वहाँ पे क्रॉस रह जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इससे आप अपनी हैबिट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला एप्लीकेशन है हमारी लिस्ट में वो है मोटिवेशन 365। और ये एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है। इसमें आपको जो वॉलपेपर मिलते हैं उस पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरी होती है। उसके बाद आपको बहुत सारे वो यहाँ पे वॉलपेपर दिख जाएंगे, मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं और इन पर लिखे हुए हैं कोट्स, जो कि आप अगर कोट्स के फ़ैन हैं और आप पढ़ना चाहते हैं बहुत सारे कोट्स और वॉलपेपर लगाना चाहते हैं कोट्स टाइप के, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही इस गैलरी से आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके वॉलपेपर जो है वो आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वॉलपेपर सेट हो गया। तो मैं आपको कुछ इसके वॉलपेपर्स दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये थे इसके वॉलपेपर्स। और आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे बहुत सारे कोट्स मिल जाते हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती है मोटिवेशनल जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था ये एप्लीकेशन, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद जो अगला एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है वो है नेवबार एनिमेशन। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो दोस्तों जैसा कि आप अंदाज लगा पा रहे होंगे कि नेवबार से इसका कुछ नेविगेशन बार से कनेक्शन होगा, जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल नेविगेशन बार से कनेक्शन है। अगर आपके फ़ोन में नेविगेशन बार है और आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप देख देख के उसे बोर हो गए हैं, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल है, मैं यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कुछ इसके एनिमेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका नेविगेशन बार देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप इसके एनिमेशन का मज़ा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इसके डेमो दिखा देता हूँ। ये था इसका डेमो और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं जिनको आप सेट करके और भी ज़्यादा मज़ा उठा सकते हैं। आपको बहुत सारा यहाँ पे स्टाइल मिल जाता है, आप प्रो वर्जन इसके लिए आपको खरीदना होगा, पर प्रो वर्जन अगर आप खरीद सकते हैं तो आप खरीद लीजिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे प्रो वर्जन को खरीदने के बाद। सो गाइस, जो अगला एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है वो है स्किलफुल फिंगर। बेसिकली ये गेम है
और बहुत ही अच्छा गेम मुझे लगता है, तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से ये ओपन होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली इस पे आपको प्रेस करना है और ये जो डॉट है ये आपको आगे तक ले जाएगी, आपको अपने फिंगर को बचाते हुए आपको लेके जाना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको लेके जाना है, आप रोक भी सकते हैं। उसके बाद आपको इस टाइप से इसको पार करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आउट हो गया। आप इसी तरीके से इसको आपको आगे ले जाना है और जितना आगे आप ले जाएंगे आपका हाई स्कोर बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी एडिक्टिव गेम है जिसको आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो गाइस, ये थे वो 5 ऐप्स जिनको आपको मेरे हिसाब से डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई सा भी एप्लीकेशन अच्छा लगा है तो नीचे सारे एप्लीकेशन के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, आसानी से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर दें, और जो भी आपको अच्छा या बुरा कुछ भी लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइज़।